जो मृदा उत्पादकता है या मृदा उर्वरता है, इन दोनों को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, इसके बारे में देखेंगे हम कि इन दोनों को प्रभावित कौन कौन कर सकते हैं। प्रभावित करने का मतलब ये होता है कि इसको या तो बहुत ज्यादा बढ़ाएगा या इसको बहुत ज्यादा घटाएगा, ऐसे कौन से कारक हैं उसके बारे में देखेंगे हम। तो सबसे पहले मृदा उत्पादकता के बारे में बात करते हैं अपन। देखो इसमें शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए याद रखो, मैं यहाँ पे जितने पॉइंट लिखूंगा वो जैसे कि पैतृक पदार्थ, तो पैतृक पदार्थ अगर ज्यादा होंगे अच्छे होंगे तो मृदा उर्वरता, सॉरी उत्पादकता, सॉरी उत्पादकता नहीं, यहां पर मृदा उर्वरता लिखेंगे। ठीक, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं? तो पहले ए में है प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक कारक में सबसे पहला है पैतृक पदार्थ, सबसे पहला है। एक बार लिख लेंगे अपन अच्छे तरीके से, इसके बारे में इसको समझेंगे। देखो एक बार इसको उतार लो अच्छे तरीके से, अब समझो कि प्राकृतिक कारक कौन कौन से है। पहला तो है पैतृक पदार्थ। ये पैतृक पदार्थ क्या है कि मृदा में जो पहले से उसके जो पदार्थ, जो पोषक तत्व या खनिज लवण उपस्थित हैं उसको कहते हैं पैतृक पदार्थ। तो ये पैतृक पदार्थ अगर ज्यादा होंगे तो मृदा उर्वरता ज्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद में स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब होता है जो वहां पर जमीन है, खेत है अपना, उसकी खेत की आकृति कैसे है। तो अगर वो आकृति अगर ऐसी ढलान वाली होगी तो क्या होगा कि यहाँ से जो पोषक तत्व है वो बारिश के पानी के साथ में बहकर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर जम जाएंगे, तो यहाँ की जो मृदा उर्वरता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो समतल जमीन है उसकी मृदा उर्वरता ज्यादा होती है किसकी अपेक्षा, जो ढलान वाली ढलाऊ भूमि है उसकी अपेक्षा। ठीक है, तो मृदा आयु, अब मृदा आयु अगर बहुत पुरानी मिट्टी है तो वो कैसे रंग की हो जाएगी, लाइट कलर की हो जाएगी एकदम। और उसकी मृदा आयु अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी उर्वरता भी बिल्कुल कम है। इसके बाद में क्या है, जलवायु।
जलवायु कैसी होनी चाहिए जो अपनी मिट्टी है अपना खेत है, जैसे कि रेगिस्तानी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है राजस्थान का, उसकी जो जलवायु है वो हमेशा गर्म रहती है, इसलिए वहां पर जो जितनी भी मिट्टी है वो कैसी है, क्षारीय है। और क्षारीय है इसका मतलब क्या है कि उसकी उत्पादकता कम है, उसकी उर्वरता कम है। ठीक है, मृदा प्रोफाइल की गहराई, मृदा प्रोफाइल की गहराई का मतलब ये होता है कि अगर बहुत ज्यादा गहरी है मिट्टी तो क्या होगा, जितना भी पानी आएगा वो उसके ऊपर आएगा मिट्टी के ऊपर, और पोषक तत्व उसके पानी के साथ में बहकर नीचे चले जाएंगे, तो मृदा उर्वरता क्या होगी, घटेगी। ठीक है, ये समझना है, इसमें कुछ लिखना नहीं है। इसके बाद मृदा की भौतिक दशा, मतलब कि आंखों से देखकर कैसे पता करें कि मिट्टी उर्वरक है या नहीं है, तो हमेशा याद रखना कि जिस मिट्टी का रंग डार्क होता है, काला होता है, वो मिट्टी हमेशा ज्यादा उपजाऊ होती है, और जिस मिट्टी का रंग भूरा या सफेद होने लगता है वो उस मिट्टी की उर्वरता क्या है, बिल्कुल कम है। मृदा अपरदल, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर हमेशा खेती होती है, कंटूर फार्मिंग बोलते हैं उसको, तो वहां से क्या होता है कि अगर ढलाऊ जमीन है तो वहां से मिट्टी रीस कर नीचे आ जाती है, तो एक प्रकार का मृदा अपरदन है। इसके बाद में हवा ज्यादा चलती है जिन क्षेत्रों में, उसकी उर्वरता भी कम होती है। इसके बाद में मृदा में उपस्थित पोषक तत्व, तो स्वाभाविक सी बात है अगर पोषक तत्व ज्यादा होंगे, सही मात्रा में होंगे, तो क्या होगा कि मृदा की उर्वरता हमेशा बढ़ेगी, और अगर पोषक तत्व की मात्रा कम होगी तो क्या होगा, उर्वरता घटेगी। ठीक है, ये इसके पॉइंट थे प्राकृतिक कारक के। अब अगला है कृत्रिम कारक। इसके बाद में कृत्रिम कारक देखेंगे हम अपन, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारक। इससे पहला है जलाक्रांति, दूसरा है फसल प्रणाली, मृदा पीएच, मृदा सूक्ष्म जीव, मृदा में कार्बन पदार्थ की मात्रा, देखो कृत्रिम कारक इतने ही है। कृत्रिम कारक मतलब कि किसी के द्वारा किए गए कारक। ठीक है, तो जलाक्रांति मतलब कि अगर पानी बह रहा है उस खेत के अंदर, तो क्या होंगे पोषक तत्व तो उसके साथ में घुल कर आगे चले जाएंगे, तो वहां की मृदा उर्वरता हमेशा घटेगी, लेकिन जहां पर पानी स्थिर है वहां पर क्या होगा कि मृदा उर्वरता अच्छी रहेगी, समान रूप से रहेगी। फसल प्रणाली, अब कोई व्यक्ति है जो खरीफ में भी मक्का लगा रहा है, रबी में भी मक्का लगा रहा है, और जायद में भी मक्का लगा रहा है, तो उसकी उर्वरता बिल्कुल घट जाएगी, क्योंकि उसमें जो समान रूप से पोषक तत्व जो जा रहे हैं या वहां पर सूक्ष्म जीवों की हानि हो रही है, उसके कारण फसल प्रणाली अपनानी चाहिए। जैसे कि रबी में गेहूं लगा दिया, चना लगा दिया, और खरीफ में मक्का लगा दिया, जायद में कोई दाल वाली फसल कर ली या कभी वर्ग की फसल कर ली, तो फसल प्रणाली इस तरह से अपनानी चाहिए। मृदा पीएच, पीएच क्या होता है ये आपने हमेशा पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा कि पीएच क्या होता है, कि एक स्केल होता है
जीरो से सात और सात से चौदह, ठीक है। अब ये तो क्या है, अम्लीय है और ये है क्षारीय, और ये बीच में है वो उदासीन। अब क्या होता है कि मृदा पीएच अगर बहुत ज्यादा अम्लीय है, जीरो है या एक है, दो है, तीन है, तो क्या होगा, ये पीएच बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब कम है, इसलिए वो मिट्टी कैसी है, अम्लीय है। तो अम्लीय मिट्टी है इसका मतलब उत्पादकता हमेशा घटेगी। लेकिन बहुत ज्यादा क्षारीय भी हो तो भी क्या होगा, उत्पादकता उर्वरता हमेशा घटेगी। तो कौन सी होनी चाहिए, बीच वाली, छह सात आठ, इसके बीच में अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मृदा उर्वरता अच्छी है, समान है। मृदा में सूक्ष्म जीव, अब मृदा के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको देख लो आप, कि मृदा के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं बहुत अगर ज्यादा मात्रा में होते हैं तो मृदा उर्वरता अच्छी होगी। अब सूक्ष्म जीव क्या कार्य करते हैं, जितने भी अपने पोषक तत्व होते हैं उनको विभाजित करते हैं, जितने भी फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं उनको विभाजित करते हैं, फिर जड़ों को उपलब्ध कराते हैं, मिट्टी में घुलने का काम भी सूक्ष्म जीव करते हैं, इसलिए सूक्ष्म जीव बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, कार्बन क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, मिट्टी में जो मिट्टी होती है वो लाइट कलर की है, मतलब कि वो भूरे रंग की ऐसी है, सफेद रंग की ऐसी है, तो इसका मतलब उसमें क्या है कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम है। लेकिन अगर वो मिट्टी डार्क कलर की है, काले रंग की होने लगती है, इसका मतलब उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी तो उसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होगी, पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होगी तो उसकी मृदा की उर्वरता क्या होगी, हमेशा बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। इसके बाद में है मृदा जुताई की विधि व समय, मृदा जुताई मतलब कि अगर गर्मियों में अगर मिट्टी को पलटते हैं, मिट्टी को पलटना मतलब कि उसकी जुताई करना, अगर मिट्टी को गर्मी में पलटते हैं तो उसका मतलब इसमें जो सूक्ष्म जीवों के सूक्ष्म जो कीट होते हैं उसके अंडे फंगस वगैरह मरेगी, इससे क्या होगा कि मृदा उर्वरता हमेशा बढ़ेगी, ठीक है। और अगर ऐसे जैसे खेत पड़े रहने दिए तो क्या होगा कि मृदा उर्वरता घटेगी। ये कुछ कृत्रिम कारक थे, इसके बाद में हम और भी पढ़ेंगे, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।